लाहौर में ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पाकिस्तान में पबजी गेम के मनफी असरात से कई हलाकतें हो चुकी हैं। आपको बताएं कि लाहौर में ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पाकिस्तान में पबजी गेम के मनफी असरात से कई हलाकतें हो चुकी हैं, लिहाजा इस गेम को बंद किया जाए, इसकी बंदिश के लिए काम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकिफ अपनाया गया है कि पाकिस्तान में पबजी गेम के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इस गेम की वजह से कई हलाकतें भी हो चुकी हैं। मलिक अशरफ से तफसीला जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में? मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में ऑनलाइन गेम पबजी की बंदिश के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। लाहौर में काहना में पेश आने वाले वाकये के बाद से जो है इस पर काम शुरू किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट में पबजी गेम की बंदिश के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पीटीए और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पाकिस्तान में पबजी गेम के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और इस गेम की वजह से कई हलाकतें हो रही हैं। पबजी के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल की जहनी सेहत और ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हो रहे हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, ये मौकिफ अपनाया गया है। कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए बाकायदा कवानीन वज़ा किए गए हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मलिक अशरफ से तफसीला जानते हैं। जी मलिक अशरफ जी, पबजी गेम पर पाबंदी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया गया है और दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत के अलावा पीटीए समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और इस दरख्वास्त में मौक़ ये इख्तियार किया गया है कि पबजी गेम की वजह से नौजवान नस्ल जो है वो बेराह रवि का शिकार हो रही है और इससे जो खुदकुशी के वाकयात भी हुए हैं। मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि लाहौर में पबजी गेम की वजह से एक नौजवान ने अपने जो फैमिलीज है उसको भी कत्ल किया है। तो इसमें ये कहा गया है कि पबजी गेम जो है वो मुस्बत एक गेम नहीं है और इसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि इस हवाले से अथॉरिटी के पास रूल्स कोई नहीं है जो उसको कंट्रोल करने के हवाले से, तो अदालत से ये सजा की गई है कि अदालत पबजी गेम पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।